हाई एवरी वन नबार्ड एग्जामिनेशन इज राउंड कॉर्नर नाउ दैट द नोटिफिकेशन इज आउट वी हैव जस्ट अबाउट मंथ एंड हाफ टू प्रिपेयर वेल एंड गिव द एग्जामिनेशन ऐसे में सिलेबस को समझना इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट यू शुड भी डूइंग एज अ स्टूडेंट अब आपको अगर सिलेबस ही समझ नहीं आया है हाउ कैन यू मूव फॉरवर्ड विद प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन तो मेरा जो आज के सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू डी कोड द सिलेबस फॉर यू यूजिंग डिफरेंट मीडियम्स अलग अलग मैं आपको एरिया से बताऊंगा किस तरह से हमने अपने खुद के लिए पढ़ाने के लिए सिलेबस को डिकोट किया है इन समथिंग दैट वी कॉल एज इंडेक्स फॉर आर एग्जामिनेशन तो हम पूरे सिलेबस को लिखते हैं एंड देन वी ट्राई एंड री इट और अपने हिसाब से एक अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिस स्ट्रक्चर के थ्रू हम पढ़ा पाएँ बट दैट्स नॉट रेलिवेंट फॉर यू वॉट्स रेलिवेंट फॉर यू इन इज कि जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा वट एवर द सिलेबस हैज़ बीन प्रिस्क्राइब बाई न्ड उसका मतलब क्या है वो मैं बुक्स में ढूंढने जाऊंगा तो कहाँ मिलेगा वे विल आई फाइंड इट इन बुक्स एंड लॉट ऑफ पार्ट ऑफ द सिलेबस लाइक क्वान्ट रीजनिंग डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर अवेयरनेस हैज़ नॉट इवन बीन डिफाइंड वेरी वेल बाई द एग्जामिनर्स तो उसके अंदर क्या क्या आता है आई विल शो दैट टू यू यूजिंग माई कोर्स इथ सेल्फ

Uh, जिससे कि आप जल्दी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकें सबसे पहले लेट मी टेक यू थ्रू सिलेबस दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय न्ड एंड देन वी विल कम टू इट्स अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू मी एज अ टीचर आपको सिलेबस आपको ये पता होगा यू मस्ट हैव हैड अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल सब्जेक्ट्स आर आस्ट इन है एग्जामिनेशन हम एक एक करके वो सारे सब्जेक्ट्स उठाएंगे टू गिव यू ब्रीफ आइडिया देर इज

दिस ऑल इज मेरिट बेस्ड सेक्शन जहां से आपकी मेरिट बनती है जहां से आपका सिलेक्शन होता है दिस इज ऑल अबाउट फेज वन वेन वी कम टू फेज टू देन देर इज इंग्लिश नॉट दिस इंग्लिश इज राइटिंग इंग्लिश नॉट ऑब्जेक्टिव इंग्लिश नॉट द सेम इज दिस वन एंड दिज टू आर रिपीटेड हेर देर इज ई एस आई एंड देर इज ए आर टी ये दोनों यहाँ रिपीट होते हैं द सेम इज फॉलोड इन फेज टू दिस इज वॉट वी हैव टू डू इन फेज वन एंड फेज टू फॉर एग्जामिनेशन मैं आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश डिसीजन मेकिंग करेंट अफेयर्स ये थोड़ा बाद में बताऊंगा राइट नाउ लेट्स फोकस अपॉन ई एस आई एंड ए आर डी बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस एंड लेट्स ऑल्सो फोकस अ लिटिल बिट अपॉन इंग्लिश तो पहले ये तीनों देख लेते हैं एंड देन कम टू दी अदर पार्ट ऑफ द सिलेबस आई होप दिस इज क्लियर एंड यू फाइन विद इट अगर हम खाली इंग्लिश की बात करें विच इज द इजीएस टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर तो नबार्ड ने बोला है एस, आ सकता है यू कैन बी आज द प्रेसी न बी आज अ कॉम्प्रीहेंशन और यू कैन बी आज अरेस्पॉन्डेंट जिसमें कि सर्कुलर्स आ जाते, हैं, आ जाते हैं दोनों आ जाते हैं तो पूछा ही जाता है इट इज ऑलवेज आस्ट प्रेसी इज ऑलवेज आस्ट ओके कॉम्प्रिहेंशन एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट र एंड लेटर्स इसमें से कोई एक चीज नॉर्मली पूछी जाती है समटाइम्स यू ऑल्सो सीन दैट बोथ दीज थिंग्स है एग्जाम है जो पेपर है वह ज्यादा लेंदी हो जाता है सो ऑटोमेटिकली दैट मीन्स डेट यू है हार्डर एंड यू हैव टू राइट फास्टर इन द एग्जामिनेशन दैट विल कम विद प्रैक्टिस एंड वी विल डू दैट प्रैक्टिस इन अ स्मॉल स्मैन ऑफ टाइम ओवर यूट्यूब एज वेल एज इन द कोर्स ये हो गया हमारा इंग्लिश वाला पार्ट अब आ जाते हैं ई एस आई पे ना आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल ऑफ दिस बट आपको बस ये देख के समझ आ जाएगा इट्स अ लेंथी सब्जेक्ट एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लुकिंग सब्जेक्ट ये सारे सब्जेक्ट टॉपिक्स दिए हुए हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट लुक्स इवन लॉन्गर बट एडवांटेज दियर इट हेयर इज दट देव एक्सप्लेन थिंग्स मोर क्लियरली एंड मोर डिटेल्ड

ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल सी द सिलेबस एज इज गिवन बाय नबार्ड एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू विल सी हाउ आई हैव कवर्ड इट इन माई कोर्स मैंने कौन से चैप्टर के अंदर उसको डाला है नेचर ऑफ इंडियन इकॉनॉमी इज गिवन बाय नाबार्ड इज द फर्स्ट टॉपिक मैंने उसको नेचर ऑफ इंडियन इकॉनॉमी नाम का एक चैप्टर बनाया उसमें डाला है सेकेंड इज स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इसको हमने इंडिया इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस के अंदर डाला हुआ है बिफोर इंडिपेंडेंस वी अंडरस्टैंड द बेसिक्स अबाउट इंडियन इकॉमी एंड वट वॉज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकॉनमी वट द इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉमी एंड हाउ आर दे टूडे इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट विच इज अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल आइडिया ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसको उसके अंदर डाला हुआ है देन ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकॉनॉमी ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकॉनॉमी ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया प्राइवेटाइजेशन देर इज अ चैप्टर इन माई कोर्स विच इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आप बुक्स भी उठाएंगे नितिन सिंघानिया यू पिकअप बुक्स लाइक विवेक सिंह और रमेश सिंह और एनी अदर स्टैंडर्ड कोर्स बुक अगर आप उठाएंगे तो वहाँ पर आपको इकनॉमिक रिफॉर्म्स नाम का ही चैप्टर दिखेगा वेयर ऑल दीज थिंग इन्फ्लेशन ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड इंडिविजुअल इनकम इंडियन इकॉमी फोर्टी सेवन टू नाइनटीन नाइनटी वन सर्विसेज एंड पोस्ट नाइनटीन नाइनटी वन सर्विसेज इन दोनों में इन्फ्लेशन को हमने अलग से कवर किया है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन अलग से भी नीचे आपको कवर्ड दिखेंगे पॉवर्टी एलिविएशन इज कवर्ड इन दैप्टर विच इज कॉल्ड एज पॉवर्टी उसमें सारी चीजें आ जाती हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट नाम का एक चैप्टर है वहाँ पर आपको मिलेगा

अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी गई हैं इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज वाले सब्जेक्ट में जो कि हमने इंडियन इकोनॉमी 1947 टू 91 एग्रीकल्चर एंड पोस्ट 91 एग्रीकल्चर में डाली हुई है ठीक है ना रूरल क्रेडिट नाम का एक चैप्टर है जिसके अंदर पूरा नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज इन रूरल क्रेडिट एक्सप्लेन है इंडस्ट्री का पूरा एरिया इंडस्ट्री वाले पार्ट में है, 1947 1991 का एक है और पोस्ट वी हैव अनदर चैप्टर रूरल बैंकिंग कम्स अंडर रूरल क्रेडिट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया ये फाइनेंस में दिया गया है इसको हम ई में डाल के आपको अलग से देते हैं फॉर योर नबार्ड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स इन बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर रूरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आ जाएगा सोशल स्ट्रक्चर मल्टीकल्चरलिज्म ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम नॉट एप्लीकेबल इसलिए लिखा है बिकॉज ये नॉर्मली एग्जाम में पूछा नहीं जाता है सो वी डोंट ट्राई एंड टच अपॉन इट डेमोग्राफिक का एक अलग चैप्टर है जेंडर का अलग चैप्टर है जितने भी सोशल इश्यूज हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो यहाँ पे कवर्ड है देखो एजुकेशन से रिलेटेड बहुत कुछ दिया गया है सिलेबस में तो वो यहाँ पे अलग से कवर किया हुआ है ठीक है ना करंट इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पीआईबी 247 में आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन सोशल मूवमेंट सोशल जस्टिस ये सारे सोशल इश्यूज का पार्ट है जिनको इस नाम चैप्टर के नाम के अंदर डाला गया है बुक्स में भी आप इफ यू पिक अप राम पिकअपरा महुजाच कवर सोशल इश्यूज ब्यूटिफुली तो आपको वहां पर भी यही सब सोशल इश्यूज के अंदर ऐसे चैप्टर्स के नाम ही मिलेंगे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जेंडर हेल्थ एनवायरमेंट एजुकेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा वहां से आप उठा के अच्छे से कवर कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू कवर इट बाई योर सेल्फ एज वेल इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज क्लियर है अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में देखो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का जो चैप्टर का जो सीक्वेंस है वो काफ़ी अलग है एज कम्पेयर टू व्हाट इज गिवन इन द सिलेबस शुरू में थोड़ा सा सेम है एग्रीकल्चर की डेफिनेशन को इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर में डाला है एग्रोनॉमी को इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी के अंदर डाला है इज अ सेपरेट चैप्टर ऑन दैट क्लासिफिकेशन टू फील्ड क्रॉप्स का ऑलमोस्ट सेम नाम दिया गया है ठीक है ना प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्रॉपिंग सिस्टम्स का अलग है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का अलग है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन का अलग है यहाँ तक काफी सिमिलर है सीड से रिलेटेड सारा एक जगह डाल दिया है एग्रो मीटरोलॉजी करके हमने एक चैप्टर का नाम बनाया है जो कि मीटरोलॉजी वेदर पैटर्न पैरामीटर्स एंड क्रॉप वेदर एडवाइजरी तीनों को कवर करता है प्रिशिशन फार्मिंग सेम है सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन सेम है ऑर्गेनिक फार्मिंग सेम है सोशल कॉन्जर्वेशन सॉइल कॉन्जर्वेशन सॉरी नॉट सोशल कॉन्जर्वेशन मेजर सॉइल टाइप्स सॉइल फर्टिलिटी ये सब सॉइल साइंस के अंदर आता है वाटर कॉन्जर्वेशन के ऊपर बहुत बड़ा दिया हुआ है तो वो सारा इरिगेशन के अंदर आ जाएगा एग्री इंजीनियरिंग के ऊपर बहुत सारा कुछ दिया हुआ है सिलेबस में वो सब हमने एक ही चैप्टर के अंदर डाला है फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर के ऊपर बहुत सारी चीजें डिफाइंड है सिलेबस में दैट ऑल कम्स अंडर प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर बुक्स में भी आपको इसी नाम से मिलेगा एनिमल हजबेंड्री द सेम थिंग इज हैपनिंग है देखो बहुत लंबा लंबा लिखा हुआ है एंड यू कैन फाइंड इट ऑल अंडर द चैप्टर ऑफ एनिमल हजबेंड्री फिशरी सेम फॉरेस्ट्री सेम एक्सटेंशन सेम इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज सेम अब यहां पे एक एरिया है जिसको सिलेबस में सिस्टैटिक में दिया गया है विच इज प्रेजेंट सिनारी एग्रीकल्चर रिसेंट ट्रेंड्स चैलेंजेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड मार्केटिंग इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी टाइप्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट ये सब एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स में हमने डाला है और आपको ये रेगुलरली मिलता भी आया है आगे भी मिलता रहेगा रूरल डेवलपमेंट में जितने भी टॉपिक्स हैं वो रूरल डेवलपमेंट नाम का एक चैप्टर बनाया है जिसमें सारे टॉपिक्स एक साथ कवर कर दिए गए हैं रूरल पॉपुलेशन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर लेबरर्स इन सब की पॉपुलेशन के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब रूरल पॉपुलेशन के अंदर डाल दिए गए हैं एक साथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एक अलग से चैप्टर बनाया है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है स्कीम्स लाइक एम जी नरेगा एनआरएल ए माजीविका रूल ड्रिंकिंग वाटर स्वच्छ भारत ये सारी आ जाती है गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर जो कि आपको चार सौ पेज का डॉक्यूमेंट मिलता है गवर्नमेंट स्कीम्स का अलग से वेर यू कैन कवर इट वेरी इजिली गवर्नमेंट स्कीम्स की कोई बुक नहीं है सो यू विल हैव टू कवर इट थ्रू एनी ऑनलाइन सोर्स यूपीएससी का यूज़ कर सकते हो या नबार्ड रिलेटेड हमारा भी यूज़ कर सकते हो तो हमने ई एस आई ए आर डी इंग्लिश ये तीनों समझ लिए अब आ जाते हैं अब सिलेबस डी कोड करने के लिए इंग्लिश एंड क्वांट रीजनिंग इंग्लिश एक एक करके एक बार उठाते हैं अब देखिए क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अगर आप उठाओगे ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर क्वालिफाइंग इन नेचर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर अवेयरनेस तो प्लीज इनको बहुत ज्यादा डेप्थ में ना घुस के पढ़ें ऊपर ऊपर से पढ़ें तो आपके लिए बेटर है ठीक है ना सबसे ऊपर ई बुक दी गई है उसके बाद ये सारे चैप्टर्स के नाम हैं थोड़ा तो सा मैं जूम इन कर लेता हूँ सबसे ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज मिक्सचर एलिगेशन शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स अलग से हैं और आरबीआई की कुछ रिविजन क्लासेस थी जो अभी तक हटाई नहीं गई हैं आप देखना चाहें तो देख सकते हैं <laughs> कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं यहां पे जो कि डाले गए हैं बट फॉर नबाट आई डोंट थिंक देर रिक्वायर्ड फॉर द सिंपल रीजन की क्वालिफाइंग है कॉम्पिटेशन कॉम्बिनेशन सिंप्लीफिकेशन जोमेट्री मैंसुरेशन प्रॉबिलिटी नंबर सीरीज बहुत ज्यादा डेप्थ में कैलेंडर क्लॉक्स तो अगर आपको लगता है कि ये सब <coughs> किसी ना किसी वेबसाइट पे दिया गया है यू डोंट हैव टू कवर देम बिकॉज दीज आर ऑल एक्स्ट्रा टॉपिक्स ठीक है ना एक बार लिख लीजिए इनको इफ इव नॉट रिटर्न आउट ऑलरेडी प्रोग्रेशन क्लॉक्स कैलेंडर नंबर सीरीज मैंसुरेशन जोमेट्री सिंप्लीफिकेशन सेट्स एंड यूनियन स्टॉक्स एंड शेयर्स कॉम्बिटेशन कॉम्बिनेशन प्रॉबेबिलिटी हमने करा दिया मैंसुरेशन भी आ गया जोमेट्री भी आ गया ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कवर करने की जरूरत नहीं है नबार्ड के लिए ठीक है ना ये हमारा पूरा है क्वांट का ठीक है तो क्वांट में मेजर मेजर बेसिक बेसिक टॉपिक्स ही आपको कवर करने हैं यू डोंट हैव टू गो इन डेप्थ वेथ पे फोकस करेंगे तो बेटर है ठीक है फॉर्मूलाज पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए अब आ जाते हैं रीजनिंग पे मैं आपको कोर्स के थ्रू इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने वही चीज़ें कवर करी हैं वट एवर इज आफ्ट इन दी एग्जामिनेशन अदर थिंग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दिलेबस सिलेबस सेल्फ ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ाने बैठ गए ओके okay.

कि यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं तो सॉल्व करना मुश्किल होता है सो इट्स बेटर इफ़ यू कवर दी अदर एरियाज फर्स्ट एंड देन कम टू अरेंजमेंट एंड पास डेटा सफिशियंसी ट्रिक्स वगैरह हैं और एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है मैं बता देता हूँ एनोलॉजी कॉज एंड इफेक्ट नॉन वर्बल रीजनिंग सीक्वेंसिंग ये नॉर्मली एग्जाम में स्पेशली नाबार्ड में नहीं पूछे जाते हैं ठीक है तो ये आप स्किप कर सकते हो इंग्लिश नॉर्मली नबार्ड एक्सपीरियंस का अच्छा होता है बट लेट मी जस्ट शो यू इंग्लिश में क्या क्या कवर कर सकते हो आप इफ इट इज़ वीक देन वट ऑल कैन यू कवर इफ यू आर अबव एवरेज इन इंग्लिश देन यू कैन वेरी वेल जस्ट रिलाई ऑन मॉक टेस्ट टू शार्पन योर स्किल्स ऑफ इंग्लिश ठीक है क्वालिफाइंग है बहुत ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है दिस इज स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर वीक इन इंग्लिश सबसे पहले वर्ड पावर मेड इजी के थ्रू वोकेबुलरी और प्रोनाउंसिएशन सिखाई जाती है uh, यहाँ पे आई थिंक थर्टीन सेशन हैं ये कवर कर सकते हो इफ यू आर वीक इन इंग्लिश अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है ये सारी बुक्स उठाने की कैसे टॉपिक से सिलेबस में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स सेंटेंस करेक्शन फ्रेज रिप्लेसमेंट कॉमन एरर कंबाइनिंग सेंटेंसी सेंटेंसेज क्लोज टेस्ट पैराजम्बल्स क्रिटिकल रीजनिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिस इज द होलिस्टिक सिलेबस दैट इज आस्ट इन द एग्जामिनेशन वेन इट कम्स टू इंग्लिश यहाँ से बाहर आपको शायद ही कोई क्वेश्चन मिलेगा वो कैबलरी वगैरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं. हमारा हो गया क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अब बचा कंप्यूटर अवेयरनेस एंड डिसीजन मेकिंग अब डिसीजन मेकिंग में कुछ भी सिलेबस नहीं दिया है डिसीजन मेकिंग इज अ बिग टॉपिक इन इट के अंदर आता है जो भी स्टूडेंट्स मैनेजमेंट uh, पढ़ चुके हैं एज अ पार्ट ऑफ आरबी एग्जामिनेशन दे वुड नो कि डिसीजन मेकिंग फ्लोज एवरी बहुत सारे अलग 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 टॉपिक्स के अंदर आपको डिसीजन मेकिंग मिलेगा ठीक है ना एक बार मैं एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ आपको कि डिसीजन मेकिंग में किस तरह से कवर किया गया है बहुत बेसिक चीजों के थ्रू उठाया है डिसीजन मेकिंग होता क्या है बिकॉज इन अबार्ट एग्जामिनेशन वी हैव सीन दैट दैट द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड नाउ आर मोर ले मैन इश आई कैन से इन 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 द नेचर बेसिक क्वेश्चंस होंगे दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ऐसे सीनारियो में आप कैसा डिसीजन ले सकते हो विच कैन बी रैशनल इन नेचर एंड विच इज ऑल्सो ऑनेस्ट ऐसा नहीं है कि आप चालाकी करके यू आर कमिटिंग सम फ्रॉड ठीक है ना इन दो चीज़ों को कंबाइन करोगे आपका डिसीजन मेकिंग गलत नहीं होगा ऑनेस्टी एंड रेशनैलिटी यहाँ पे समझ लेते हैं व्हाट इज डिसीजन मेकिंग कौन कौन से टाइप्स के डिसीजंस होते हैं उनको समझने की कोशिश होगी यहाँ पे डिसीजंस हो गए स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल ऑपरेशनल रैशनल डिसीजन कैसे लिए जाए ये यहाँ पर एक्सप्लेन है ये पूरा साइकिल है अब ये सब थ्योरी है ऑल दिस इज नॉर्म बी आस्ट इन द एग्जाम बट थ्रू दिस थ्योरी यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपके सामने कोई भी केस आता है तो आपको उस केस से कैसे डील करना है हाउ डू यू डील विद दैट केस स्टडी हाउ डू यू कम टू अ द बेस्ट सोल्यूशन पॉसिबल थ्रू इन दैट केस स्टडी बाई यूजिंग दीज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इसलिए वहाँ पे काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं ठीक है ना मेकिंग गुड इनफ डिसंस नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोग एग्जाम में सोचते हैं दैट वी हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन मतलब जो बिल्कुल सही हो

हाउ डू यू नो इफ योर क्रिएटिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज क्रिएटिव अब डिसीजन मेकिंग के कुछ मॉडल्स हैं रैशनल बाउंडेड रैशनैलिटी इंटोवेटिव क्रिएटिव ये सब मॉडल्स अलग अलग डिसीजन केसेज में यूज होते हैं इन सम केसिज यू माइट हैव टू बी क्रिएटिव इन अदर केसेज यू माइट हैलिटी वो यहाँ पर थ्योरिटिकली समझाया गया है ठीक है न ओवर कॉन्फिडेंस बायस हिंडसाइड बायस अब ये बायसेज है वेन एवर यू टेक अ डिसीजन यू माइट बी अफेक्टेड बाय सम बायस कौन कौन से बायसेज आपको अफेक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल देर इज सम पर्सन हु सम कोलीग हु वर्क विद यू एंड इज वेरी रूड टू यू नॉर्मली बड़ा रूड रहता है बट वन डे ही इज ही जस्ट वेरी नाइस टू यू इज ऑफरिंग इज टू यू ही इज ऑल्सो टेकिंग यू आउट टू द कैंटीन कोकोक पिला रहा है आपको चिप्स चिप्स खिला रहा है सो यू फील दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल दैट यू एवर मेट बिकॉज यू ऑलवेज बीन लुकिंग फॉर इज अटेंशन एंड सडनली यू हैव इज अटेंशन है ना तो आपको बड़ी खुशी होती है एंड देन यू फील दैट इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स बट इज एक्चुअली नॉट द नेक्स्ट डे इज अगेन वेरी रूड टू यू सो दिस इज वन ऑफ द दायस जहां पे जो अफेक्टेड बाय अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी जो कि बहुत इमिडिएटली आपको दिखता है एंड देन एज सुन एज इट कम्स इट ऑल्सो गोज अवे सो योर डिसीजन मेकिंग फॉर दैट डे माइट बी अफेक्टिंग बाय दैट बायस हो सकता है उसको शाम को कुछ आपको फेवर आपसे फेवर चाहिए ही ट्रीट्स यू वेल

पारुल मैम विल बी टीचिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द कोर्स ऑल्सो वो आपको वीडियोज बना के यहाँ पर डालेंगी जिससे कि आपको अच्छे से और समझ आ सके डिसीजन मेकिंग के बारे में डिसीजन मेकिंग क्यू एंडेज में कुछ सेशंस किए हैं कुछ और सेशंस भी होंगे अभी जहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाया जाएगा ठीक है ना इन अमिलर मैनर वी यू बी स्टार्टिंग कंप्यूटर अवेयरनेस ऑल्सो वहाँ पर भी दो तीन पी हैं जहाँ पे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस एम एस ऑफिस वगैरह तक हम ले जाके आपको पढ़ाएंगे वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज द लेवल ऑफ क्वेश्चन अवेयरनेस आर ऑल्सो डिफिकल्ट नाउ एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ उसके बाद हम आएंगे अपने लास्ट सेक्शन पे विच इज करेंट अफेयर्स तो करेंट अफेयर्स के कंप्यूटर uh, अवेयरनेस के नोट्स हैं जिसमें आपको सारे नोट्स एक साथ दे दिए गए हैं और लेक्चर्स यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे ठीक है ना अब कंप्यूटर अवेयरनेस में सिलेबस बताना बड़ा मुश्किल है बिकॉज Uh, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वहाँ पे पूछी जाती हैं लेट मी नाउ कम टू दी करंट अफेयर्स पार्ट जो आपसे पूछा जा सकता है अब देखिए मैंने एक 45 डे प्लानर की वीडियो बनाई थी एंड उसमें करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कवर था सो एम गोइंग टू अप करंट अफेयर्स फ्रॉम दैट ओनली पहले मैं आपको बता देता हूँ कि करंट अफेयर्स में क्या क्या आता है एंड देन वील पिकअप दिस वन ठीक है ना तो एक बार लेट अस ओपन व्हाइट बोर्ड आपको एक बार बता देता हूं करंट अफेयर्स में क्या क्या आता है अगर करंट अफेयर्स उठाओगे फॉर एन एग्जामिनेशन देर इज स्पॉटलाइट ओके स्पॉटलाइट थ्री टू फोर मंथ इज इनफ देर इज पी आई बी टू फोर सेवन विच कवर्स ऑल पी आई बी न्यूज सिक्स मंथ्स ऑफ पी आई बी इज इनफ एंड इट वेरी मच पॉसिबल इन द नेक्स्ट वन एंड हाफ मंथ देर आर गवर्नमेंट स्कीम्स आपको सारी स्कीम्स करनी है नॉट ओनली स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट यू टू कवर ऑल द स्कीम्स आई थिंक ये हैंग हो गया है तो यू टू कवर ऑल द स्कीम्स एट लेट्स गवर्नमेंट स्कीम्स इज थर्ड उसको मैंने अराउंड फोर हंड्रेड पेजेस की एक पी डी एफ है जिसके थ्रू उसको कवर किया है तो वो आपको कवर करनी है पूरी गवर्नमेंट स्कीम्स की लिस्ट मनी सर विल ऑल्सो भी कवरिंग गवर्नमेंट स्कीम्स वेरी शॉर्टली वो आपको टाइम टेबल मिल जाएगा तो हमने सबसे पहले देखा था स्पॉटलाइट थ्री मंथ्स देन वी हैड पी आई अबाउट सिक्स मंथ्स थ्री टू फोर मंथ्स ऑफ स्पॉटलाइट देन वी हैड गवर्नमेंट स्कीम्स ठीक है ना जो आपको यू टू कवर ऑल फोर हंड्रेड पेजेस ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं बोथ इन फेज वन एंड फेज टू फ्टर गवर्नमेंट स्कीम्स वी हैव रिपोर्ट एंड सर्वेज नर्वेज ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट एंड सर्वेज ऑफ इकोनमी वो सारे ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे उसकी लिस्ट में अभी आपको बताऊंगा जो कि फोर्टी फाइव डे टाइम टेबल में दी गई है तो ये हो जाता है मेजर मेजर जो भी हमें करंट अफेयर्स में कवर करना है एंड ऑल ऑफ दिस हैजू बी कवर्ड बिफोर फेज वन बिकॉज आफ्टर फेज़ वन यू विल नॉट हैव इनफ टाइम टू कवर ऑल ऑफ दिस तो हमें फेज वन से पहले ही ये सारी चीज़ें निपटानी अब आ जाते हैं वापस से हमारे फोर्टी फाइव डे प्लानर पे जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि स्पॉटलाइट गवर्नमेंट स्कीम्स पी आई वी सर्वेज रिपोर्ट ये सब कब कब कवर करने हैं सबसे पहले उठाते हैं ए आर डी रिपोर्ट्स जितनी भी सर, रिपोर्ट current current या सर्वेज हैं ए आर डी करंट और ई एस आई करेंट यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अंदर क्या क्या आता है दिस यू हैव ए आर डी रिपोर्ट में नबार्ड एनुअल रिपोर्ट आई विल कवरिंग नबार्ड एनुअल रिपोर्ट इन द नेक्स्ट वन और टू डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है समराइज ऑलरेडी हो चुकी है बस उसको कवर करना है माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट ट्वेंटी लाइफ स्टॉक सेंसस नाफिस सर्वे एग्री सेंसस टर्म्स ऑफ ट्रेड इन एग्रीकल्चर सेंसस दो हजार ग्यारह हैंडलूम सेंसस बेकिंग बेसिक एनिमल हजबेंड्री स्टेटिस्टिक्स बजट सर्वे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फैमिली हेल्थ सर्वे पी एल एफ एस लेबर फोर्स सर्वे स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कहाँ गया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट असर रिपोर्ट आयशे फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स गवर्नमेंट स्कीम्स ये सब अलग हो गया तो यहाँ तक जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने कवर करी दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ सर्वेज एंड रिपोर्ट्स दैट यू हैव टू कवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रायोरिटी होना चाहिए उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स आ जाता है गवर्नमेंट स्कीम्स को डिवाइड नहीं कर सकते ओके वी स्टार्ट गवर्नमेंट स्कीम्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स सबसे पहले देखो आपको यहाँ दिखेगा नहीं यू स्टार्ट गवर्नमेंट स्कीम्स फ्रॉम सिक्सटीन सेप्टेम्बर हम अपने एंड से सिक्सटीन सेप्टेम्बर से गवर्नमेंट स्कीम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उसको खत्म नहीं करेंगे इट कंटिन्यूस टिल द एग्जामिनेशन ठीक है गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ आता है आपका स्पॉटलाइट एंड पी आई बी टू फोर सेवन ईवी टू फोर सेवन आपको लेटेस्ट पहले उठाना है अगस्त जुलाई देन जून देन मे इस तरह से पीछे जाना है द सेम विल हैपन इन स्पॉटलाइट अगस्त जुलाई जून ऐसे पीछे चलना है ठीक है स्पॉटलाइट थ्री टू फोर मंथस एंड पी आई वी टू फोर सेवन अबाउट सिक्स मंथ दिस इज वॉट यू हैव टू कवर ठीक है तो आप सबसे पहले स्पॉटलाइट एंड पी आई वी टू फोर सेवन खत्म करोगे फिर गवर्नमेंट स्कीम्स उठाओगे एंड आफ्टर दैट यू विल पिकअप फ्रॉम हेयर ए आर डी करेंट एंड ई एस आई करेंट जिसके अंदर सारी रिपोर्ट्स एंड सर्विस आ जाएंगे जैसे ही वो खत्म हो जाएंगे यू विल स्टार्ट विद योर रिविजन एज वेल एज रेप ऑफ गवर्नमेंट ये हो गया आपका सारा करंट अफेयर्स का पार्ट तो हमने सारे एस्पेक्ट डी कोड कर लिए हैं सिलेबस के ई एस आई इज डन ए आर डी इज डन क्वॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश कंप्यूटर अवेयर डिसीजन मेकिंग एंड करेंट अफेयर्स ये सारे आपके हम कवर कर चुके हैं ठीक है कोई भी सिलेबस से रिलेटेड डाउट है यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन बिलो यू कैन आल्सो रीच आउट टू मी वाई माई वेबसाइट अनुजिंदल डॉट इन फोन नंबर वेबसाइट पर भी है यहाँ भी बता देता हूँ डबल नाइन डबल नाइन फोर डबल सिक्स डबल टू फाइव डबल नाइन डबल नाइन फोर डबल सिक्स डबल टू फाइव इस पर कॉल करोगे यू कैन रीच आउट टू माई काउंसलर्स और वो आपकी हेल्प करेंगे अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड टू नवॉर्ड दे विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स बेटर ठीक है ना कीप प्रिपेरिंग गाइड्स आई एल सी यू वेरी सून विद मोर सच सेशन जहाँ पे हम विल पिक अप वेरियस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ नाबार्ड इससे कि जो भी एक्सपेरियंस है वो एवर इज़ प्रिपेरिंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट नाबार्ड एग्जामिनेशन दे कैन अंडरस्टैंड इट दे कैन गेट थ्रू इट विद मोर कॉन्फिडेंस आई सी यू वेरी सून टिल देन ऑल द बेस्ट टेक केयर बाय जय हिंद